हेलो और वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका करण गुप्ता ट्यूटोरियल क्लासेस में, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। और आज हम बात करेंगे ब्रोमोमेट्री पे कि ब्रोमोमेट्री क्या होती है। बहुत ही सिंपल और इजी वे में हम समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं ब्रोमोमेट्री के बारे में। तो जैसे कि आप जानते हैं कि ब्रोमोमेट्री जो है बेसिकली वो हमारी रेडॉक्स टाइट्रेशन, जो कि हमारा एक टॉपिक है, उसका एक पार्ट है। तो रेडॉक्स टाइट्रेशन का मतलब होता है जब दो टाइट्रेशन एक साथ, मतलब दो रिएक्शन एक साथ होती है टाइट्रेशन के अंदर, मतलब ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी। तो ब्रोमोमेट्री के अंदर ये दोनों रिएक्शन साथ में होती है। और बेसिकली ब्रोमोमेट्री जो है वो एक रेडॉक्स टाइट्रेशन का एक एग्जाम्पल है। तो आज हम बात करते हैं ब्रोमोमेट्री की। तो देखिए ब्रोमोमेट्री के अंदर क्या होता है, बहुत सिंपल वे में हम समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए समझते हैं कि ब्रोमोमेट्री के अंदर होता क्या है। देखिए ब्रोमोमेट्री के अंदर हम पोटेशियम ब्रोमेट का यूज करते हैं, ठीक है। पोटेशियम ब्रोमेट मतलब KBrO3। मैं आपको टाइट्रेशन के थ्रू समझाता हूँ, फिर आपको केमिकल रिएक्शन के साथ समझाऊंगा। तो यहाँ पर एक चीज आपको समझना है कि यहाँ पर किसका यूज हो रहा है, KBrO3, इट इज कॉल्ड पोटेशियम ब्रोमेट, ठीक है। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं वापस से। तो यहाँ पर होता क्या है कि पोटेशियम ब्रोमेट जो है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है जो जिसका खुद का रिडक्शन होता है और दूसरे का ऑक्सीडेशन करता है, ठीक है। मतलब जो दूसरे का ऑक्सीडेशन करे वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब खुद का रिडक्शन होगा और दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगा, ठीक है। तो यहां पर KBrO3 जो है ना वो दो पार्ट में टूट जाता है, K+ और BrO3। तो यहां BrO3 जो है वो रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करता है, मतलब वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है BrO3, इसलिए मैंने यहां पर BrO3 लिखा है, ठीक है। और यहां पर हमारा एनालाइट है, ठीक है। तो मैं अभी आप इसको पकड़ के चलिए, यहाँ क्या हो रहा है, BrO3 इज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। और हमने यहाँ पर इसको ब्यूरेट के अंदर फिल कर रखा है, KBrO3 को फिल करा, पोटेशियम अलग हो गया पॉजिटिव करके, अब BrO3 जो है वो अलग हो गया। रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कौन करेगा? BrO3, ठीक है। तो यहाँ पर होगा ये कि ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब इसका क्या होगा, इसका खुद का होगा रिडक्शन। देखिए मैं यहाँ रिडक्शन लिख देता हूँ, इसका खुद का रिडक्शन होगा, ठीक है। और ये दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगा, मतलब ये जो एनालाइट है इसका होगा ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो इस भाई साहब का करा इन्होंने ऑक्सीडेशन, ठीक है, किसका, एनालाइट का। तो एनालाइट का हो गया ऑक्सीडेशन, और ये जो एनालाइट है ये है रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब ये दूसरे का रिडक्शन करेंगे और खुद का ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। तो ये करेंगे रिडक्शन, तो ये इनका रिडक्शन कर देंगे, किसका, हमारे BrO3 का रिडक्शन हो रहा है, इनका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, और दूसरे का रिडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए इसको बोला गया रिड्यूसिंग एजेंट। और ये इनका खुद का रिडक्शन हो रहा है, दूसरे का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, इसलिए इसे बोला गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इट इज कॉल्ड रेडॉक्स टाइट्रेशन, क्योंकि यहां पर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ में हो रहा है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, रेडॉक्स टाइट्रेशन। और ब्रोमोमेट्री के अंदर दोनों चीजें हो रही हैं। यहां पर जो हमने KBrO3 लिया है पोटेशियम ब्रोमेट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब इसका खुद का रिडक्शन हो रहा है, दूसरे का ऑक्सीडेशन कर रहा है। और जो हमारा एनालाइट है ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब ये खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है और दूसरे का रिडक्शन कर रहा है। क्लियर हो गई, मतलब उल्टा होता है, क्लियर हो गई आपको बात। तो यहां पर ये होगा कि यहां पर जो हमारा BrO3 है ये BR फॉर्म में, मतलब ये है BR, अभी ये आपको BR दिख रहा है, ये BR- में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो BR को बोलते हैं ब्रोमेट और BR- को बोलते हैं ब्रोमाइट, मतलब ब्रोमेट से ब्रोमाइट में कन्वर्ट होता है। क्लियर हो गई बात। मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं, क्योंकि इस वीडियो के अंदर ये चीज बहुत क्लियर, बहुत आपके लिए बहुत ही जानना इंपॉर्टेंट है, अगर आप भूल गए हो। इसके ऊपर मेरा एक पहले से एक सेपरेट वीडियो है जिसके अंदर मैंने आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्लियर करा है, बट यहां पर मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूं, और ये आप लिख भी लीजिए अपने नोट्स के अंदर तो आपको याद रहेगा। देखिए ऑक्सीडेशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस होना, मतलब इलेक्ट्रॉन का जाना ऑक्सीडेशन कहलाता है, हाइड्रोजन का जाना भी ऑक्सीडेशन कहलाता है, ऑक्सीजन का जुड़ना या उसका गेनिंग होना ऑक्सीडेशन कहलाता है, और ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना भी ऑक्सीडेशन कहलाता है। रिडक्शन इसका उल्टा होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का जुड़ना रिडक्शन होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन होता है, ऑक्सीजन का कम होना रिडक्शन होता है, ऑक्सीडेशन नंबर का कम होना भी क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर का कम होना भी क्या कहलाता है, रिडक्शन होता है। तो ये मैंने शॉर्ट में यहाँ पर ये लिख दिया है, देखिए यहाँ पर, तो ये आपको थोड़ा इजी हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पर मैंने आपको क्लियर कर दिया कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि ब्रोमेट से ब्रोमाइड में कन्वर्ट हो रहा है, क्लियर है। और यहाँ पर जो हमारा जो BrO3- है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है और दूसरे का ऑक्सीडेशन हो रहा है। और हमारा जो एनालाइट है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरे का रिडक्शन हो रहा है।
क्लियर हो गई बात। अब मैं आपको एक टाइट्रेशन के थ्रू समझाता हूँ कि ब्रोमेट्री के अंदर होता क्या है। देखिए, हम के बी आर ओ थ्री जो है हमारी ब्यूरेट के अंदर फिल करते हैं, जैसे ही हम फिल करते हैं दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, के प्लस बी आर ओ थ्री माइनस। यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता दूं कि के बी आर ओ थ्री का जो सोल्यूशन होगा वो एसिडिक सोल्यूशन के अंदर फिल होगा। याद रखिए, एसिडिक सोल्यूशन के अंदर हमको के बी आर ओ थ्री का सोल्यूशन बनाना है। एसिडिक कंडीशन में क्यों, वो मैं आपको बताऊंगा। तो यहां पर होगा ये कि ये होगा अभी हमारे किस फॉर्म में, ब्रोमेट के फॉर्म में, ठीक है। जैसे ही यहां पर हमारा एनालाइट होगा, जैसे ही एनालाइट के साथ, जैसे ही हमने यहां पर हमारा स्टार्ट करी टाइट्रेशन, तो बी आर ओ थ्री माइनस जो होगा वो हमारे एनालाइट के साथ रिएक्ट करेगा। एनालाइट के साथ जैसे ही रिएक्शन होगी, ये जो ब्रोमेट है ब्रोमाइट के अंदर कन्वर्ट होने लगेगा। यहां पर हमको इंडिकेटर यूज करना है, तो इंडिकेटर कौन सा यूज करेंगे हम, मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। तो यहां पर ऐसे मिथाइल ऑरेंज हम इंडिकेटर यूज करेंगे। यहां पर और भी दूसरे इंडिकेटर्स का यूज किया जा सकता है, तो साइड में मैं उन इंडिकेटर्स का नाम आपको बता रहा हूं, तो इन इंडिकेटर्स का भी टाइट्रेशन के अंदर यूज किया जा सकता है। तो यहां पर हम मिथाइल ऑरेंज का यूज करेंगे। जब ब्रोमेट, मतलब जब ब्रोमेट इंडिकेटर के साथ रहेगा, तब कलर जो होगा ना सोल्यूशन, वो कलरलेस होता है, ठीक है। यहां पर कलरलेस सोल्यूशन होता है, बट जैसे ही ब्रोमेट जो होगा वो ब्रोमाइट के अंदर कन्वर्ट होगा, वो ब्रोमाइट फिर हमारे इंडिकेटर के साथ रिएक्ट करेगा, तो वो होगा रेड कलर, ठीक है। तो वो हमको रेड कलर प्रोवाइड कराएगा। ये रेड कलर जो होता है ना, बेसिकली एसिडिक सोल्यूशन की वजह से होता है कि हमारा जो KBr O3 का जो सोल्यूशन है वो हमने इसीलिए एसिडिक सोल्यूशन के अंदर इसकी प्रिपरेशन करी है कि इंडिकेटर के साथ ये हमको गहरा लाल कलर दे, जिससे हमको पता चल सके कि हमारा जो ब्रोमेट है वो ब्रोमाइट के अंदर कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। तो ये इसकी एक नॉर्मल केमिकल रिएक्शन होती है, जिसके अंदर हम टाइट्रेट करते हैं और पता करते हैं कि ब्रोमेट से हमको ब्रोमाइड में कन्वर्ट करना है, और इसके थ्रू हम डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट को एनालाइज करते हैं, उनका ऐसे परफॉर्म करते हैं। तो इसके अंदर हम फिनोल, प्रोपाइल हाइड्रोक्सी बेंजोएट और लिक्विड फिनोल को डिटरमाइन कर सकते हैं या उनका ऐसे परफॉर्म कर सकते हैं। क्लियर हो गई आपको बात। तो यहां पर बिल्कुल सिंपल है कि यहां पर एक दो चीजें आपको याद रखनी है कि यहां पर BrO3- जो है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब इसका खुद का रिडक्शन होगा, सामने वाले का ऑक्सीडेशन हमको करना है। दूसरी चीज ये कि यहां पर हम ब्रोमेट से इसको ब्रोमाइड में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। और यहां पर हमको जो कलरलेस होता है, और जैसे ही हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, मतलब पूरा का पूरा सॉल्यूशन जो होगा, या जो हमारा एनालाइट है वो जो होगा, वो जैसे ही ब्रोमेट के अंदर रिएक्ट कर लेगा ब्रोमाइड से, कंप्लीट पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो हमको ब्रोमाइड मिलेगा और हमको रेड कलर मिल जाएगा। क्लियर हो गई बात। तो ये इसकी नॉर्मल रिएक्शन थी जिसमें हमने ब्रोमेट्री के ऊपर बात करी। तो इस टॉपिक को कंप्लीट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातों पर डिस्कस कर लिया जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। सबसे पहले हम इसके नाम पर बात करते हैं कि ब्रोमोमेट्री, इसका नाम ब्रोमोमेट्री क्या है। तो सबसे पहले बताता हूं मैं, मिट्री का मतलब होता है मेजर करना, और मेजर किसका, ब्रोमो मतलब पोटेशियम ब्रोमेट का, मतलब पोटेशियम ब्रोमेट के थ्रू हम जब भी किसी कंपाउंड को एनालाइज करते हैं, उसकी प्यूरिटी का पता करते हैं, तो उस टाइट्रेशन को बोला जाता है ब्रोमोमेट्री, ठीक है। दूसरी चीज ये कि यहां पर जो इंडिकेटर होता है उसका भी ऑक्सीडेशन होता है। कब होता है, जब हमारा जो एनालाइट है जब उसका पूरा ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो उसके बाद हमारे इंडिकेटर का नंबर आता है और वो भी ऑक्सीडाइज होकर फिर हमको कलर देता है। सबसे पहले जो हमारा जो ब्रोमेट है वो जब हमारे इंडिकेटर के साथ होता है, ठीक है। देखिए, ब्रोमेट आया, ब्रोमेट ने इंडिकेटर के साथ रिएक्शन करी है, बट अभी वो ऑक्सीडाइज नहीं हुआ इंडिकेटर, पहले ऑक्सीडाइज होता है हमारा एनालाइट, तो पहले वो एनालाइट को ऑक्सीडाइज करता है, इस वजह से सॉल्यूशन का कलर होता है कलरलेस। बट जब पूरा एनालाइट जो होता है वो एक तरह से न्यूट्रलाइज हो जाता है, तो उसके बाद जो ब्रोमेट होता है वो हमारे इंडिकेटर को ऑक्सीडाइज करता है, और जैसे ही हमारा इंडिकेटर ऑक्सीडाइज होता है वैसे ही हमको रेड कलर मिलता है। यहां पर एक चीज और मैं आपको बता दूं कि रेड कलर इसी वजह से मिलता है क्योंकि यहां पर हमारा जो सॉल्यूशन है वो हमने एसिडिक प्रिपरेशन के अंदर बनाया, जो हमारा पोटेशियम ब्रोमेट का जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक सॉल्यूशन है, इस वजह से हमको रेड कलर मिलता है और शार्प रेड कलर मिलता है। क्लियर हो गई बात। तो यहां पर जो हमारा इंडिकेटर है वो भी एंड में ऑक्सीडाइज होता है, बट उसके ऑक्सीडाइज होने से पहले हमारा एनालाइट जो है वो ऑक्सीडाइज होता है, और ब्रोमेट क्या है, ब्रोमेट का रिडक्शन होता है किसमें, ब्रोमाइड में। क्लियर हो गई बात। तो यहां पर हमारा जो एनालाइट है वो ऑक्सीडाइज होता है, और उसके बाद हमारा इंडिकेटर ऑक्सीडाइज होता है, और उसके बाद हमको कलर चेंज मिलता है जो कि होता है रेड कलर। एक चीज क्लियर हो गई, यहां पर मैंने आपको जो हमारा एनालाइट होगा ना उसकी क्वांटिटी या को हम कैसे पता करेंगे, जितना ब्रोमेट जो है वो ब्रोमाइड के अंदर कन्वर्ट होगा उसके बेसिस पे हम एनालाइट की कंसंट्रेशन को पता करेंगे। देखिए, इसको हम रिएक्शन को उल्टा भी कर सकते हैं। मान लीजिए यहां पर हमको रेड कलर मिल जाएगा और जो ब्रोमेट है वो ब्रोमाइट के अंदर कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या करा कि ब्रोमेट का जितना ज्यादा, मतलब KBrO3 का जितना वॉल्यूम यूज होगा उसके बेसिस पे हम कंसंट्रेशन डिटरमाइन करेंगे, यही होगा। अब यहां पर हम इस रिएक्शन को उल्टा भी कर सकते हैं, मतलब इसको हम इनडायरेक्टली परफॉर्म कर सकते हैं। हम ये पता कर सकते हैं कि यहां पर कितना ब्रोमेट जो है वो ब्रोमाइट के अंदर कन्वर्ट हुआ। उसके लिए हमको करना ये होगा कि इस ब्रोमाइट को ब्रोमेट में हम वापस रिवर्स करेंगे, मतलब
बी आर माइनस को वापस बी आर में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए हमको कुछ नहीं करना है, इस ये जो हमारा वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है इसको तो हमको एज इट इज रखना है, ठीक है, सॉरी कॉनिकल फ्लास्क जो होगा वो हमको एज इट इज रखना है, और यहां पर हमको रखना है सोडियम थायोसल्फेट। तो जैसे ही हम सोडियम थायोसल्फेट यहां पर फिलअप करेंगे और टाइट्रेशन स्टार्ट करेंगे, तो टाइट्रेशन स्टार्ट करने से पहले यहां पर क्या होगा, ब्रोमाइड होगा और कलर कौन सा होगा, रेड कलर होगा। जैसे ही हम सोडियम थायोसल्फाइट को रखेंगे मतलब स्टार्ट करेंगे टाइट्रेशन, तो ये जो बी आर माइनस है ये बी आर में कन्वर्ट होना लग जाएगा, मतलब जो हमारा ब्रोमाइड है वो ब्रोमाइड में कन्वर्ट होगा, और अगर जब पूरा ब्रोमाइड जो होगा वो ब्रोमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा तो रेड कलर की जगह वापस हमारा सोल्यूशन जो होगा वो कलरलेस हो जाएगा, मतलब जितना भी ब्रोमाइड था वो ब्रोमेट में कन्वर्ट हो चुका है। तो उसके बेसिस पे हमको ये पता चल जाएगा सोडियम थायोसल्फेट के थ्रू कि कितना ब्रोमाइड था इसके अंदर, क्यों, क्योंकि जो इसकी वॉल्यूम होगा उससे हमको ये पता चलेगा कि कितना ब्रोमाइड जो है वो ब्रोमेट में कन्वर्ट हुआ है। तो उसके बेसिस पे भी हम इसके मतलब ब्रोमाइड के बेसिस पे भी हम एनालाइट की कंसेंट्रेशन को पता कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम इस टाइट्रेशन को परफॉर्म कर सकते हैं, ये मैंने आपको थोड़ा सा इनडायरेक्टली वे में बताया, बट सीधी सी बात है ये जो पार्ट है बेसिकली अगर आप एग्जाम के अंदर ना भी लिखें तो भी चलेगा, बट ये आपके नॉर्मल नॉलेज के लिए था जिससे आप थोड़ा सा और इसको सिंपल और ईजी वे में समझ सकें और आपके जितने भी कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो सके और आप थोड़ा कॉन्फिडेंटली इस टॉपिक को समझ सकें। तो यहाँ पर हमने बात करी ब्रोमोमेट्री की, बहुत ही सिंपल और इजी वे में मैंने आपको ये जो टॉपिक है वो समझाने की कोशिश करी है। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, कोई डाउट है, तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपके क्वेश्चन का जवाब दूंगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ और यूं ही बने रहिए मेरे साथ। अगर आप भी इन इंस्ट्रूमेंट्स पर ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम इन अवर इंस्टीट्यूट। हमारा पता और ईमेल आईडी मैंने नीचे दिया हुआ है, तो यहां पर आप मुझे मेल कर अपनी इंफॉर्मेशन, अपने कॉन्टेक्ट नंबर मुझे सेंड कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे पास कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं तो उसकी लिस्ट मैं आपको साइड में सेंड कर रहा हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हम किस किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेनिंग कराते हैं, और अगर आप कोई मास्टर डिग्री कर रहे हैं, कोई पीएचडी कर रहे हैं, या किसी भी प्रोजेक्ट्स वर्क से जुड़े हुए हैं, और अगर आपको किसी इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है और वो इंस्ट्रूमेंट आपके पास नहीं है, तो हम साथ ही साथ कंसल्टेंसी सर्विस भी प्रोवाइड कराते हैं। तो उससे रिलेटेड भी अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे पर्सनल मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं, नीचे मैंने अपना मेल आईडी दिया हुआ है, और मैं अपने उन स्टूडेंट से बात करना चाहता हूं कि वो स्टूडेंट जिनको कोई डाउट है, कोई क्यूरी है, बट कमेंट्स बॉक्स में कई बार ऐसा होता है कि वो क्यूरी और डाउट इतने बड़े होते हैं कि मैं कमेंट्स बॉक्स में उनको उनके आंसर सही तरीके से नहीं दे पाता हूं, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, तो यहां पर मैं आपसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में आ जाऊंगा और आप मुझे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं आपके सारे डाउट जरूर क्लियर करूंगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।